तो जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि 6 मई को समर सिंह की जमानत याचिका पर कोर्ट सुनवाई करने वाली थी और मुकर्रर की गई तारीख यानी कि 6 मई को सुनवाई हुई भी, मगर जिसमें एक बार फिर समर सिंह ने भयंकर ड्रामा कर दिया। जी हाँ, सुनवाई के दौरान फैसला अपने हाथ से जाता देख बौखलाहट में समर सिंह ने ऐसी हरकत कर दी कि कोर्ट में बैठे लोग घबराकर चिल्ला पड़े। वहीं कटघरे में खड़े खड़े ही समर सिंह अपने वकीलों पर भी झल्ला पड़ा। तो आखिर क्या और क्यों हुआ कोर्ट में तमाशा? समर सिंह की किस हरकत पर चल गया जज का हथौड़ा और क्यों वहां बैठे लोगों की भी निकल गई चीख? आपको बताते हैं, दिखाते हैं सब। आप भी आकांक्षा के इंसाफ के लिए इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट में जस्टिस फॉर आकांक्षा जरूर लिखें। चैनल के साथ जुड़कर चैनल को सब्सक्राइब कर इस मुहिम का हिस्सा बने, हमारी ताकत बने। तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों कि पापी समर सिंह 6 अप्रैल से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। वो 2 बार जमानत याचिका लगा चुका है मगर दोनों ही बार उसकी याचिका खारिज कर दी गई है। वहीं एक बार फिर उसने 26 अप्रैल को एक और जमानत याचिका डाली थी जिस पर 6 मई को कोर्ट फैसला सुनाने वाली थी। अब 6 मई को जेल में और फिर मेडिकल के दौरान समर सिंह ने क्या क्या तमाशा किया वो हम आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बता चुके हैं। वहीं कोर्ट के बाहर पहुंचते ही इस बार भी लोगों ने समर सिंह को दबोचना चाहा, कोर्ट के बाहर ही आकांक्षा का इंसाफ करना चाहा, मगर पुलिस किसी तरह बचते बचाते समर सिंह को कोर्ट के अंदर ले जाने में कामयाब रही। खैर, अब ये सब तो कोर्ट के बाहर हुआ जो आप सब जानते ही होंगे, मगर कोर्ट के अंदर हुए तमाशे के बारे में आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ, सूत्रों से आ रही खबरों की माने तो कोर्ट के अंदर भयंकर ड्रामा हुआ और इसी वजह से कोर्ट को सुनवाई 9 मई तक टालनी पड़ी। अब ये तो हम आपको बता ही चुके हैं कि समर सिंह लगातार खुद को बेकसूर बताता रहा है, खुद पर लगे हर आरोप को झूठा बताता रहा है, मगर पिछले 38 दिनों में रोज ही उसके खिलाफ कोई न कोई सबूत निकल कर आता रहा है, मगर तब भी अब तक पुलिस के हाथ कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं लग पाया था जिससे कि पूरे पुख्ता तौर पर ये साबित हो सके कि आकांक्षा के साथ 25 मार्च की रात को जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी उसका जिम्मेदार भी समर सिंह ही है। हालांकि समर सिंह के मोबाइल से, उसके बैंक डिटेल से इतना तो साफ हो चुका है कि समर सिंह और आकांक्षा के बीच पर्सनल रिश्ता था और समर पर लगाया गया ये आरोप कि वो आकांक्षा को पेमेंट नहीं दे रहा था ये भी साबित हो चुका है जो हम अपनी पिछली रिपोर्ट्स में बता चुके हैं। बावजूद इन सारे सबूतों के पुलिस अब तक कोई ऐसा ठोस सबूत या गवाह नहीं जुटा पाई थी जिससे कि समर सिंह पर लग रहा ये आरोप सच साबित हो सके कि 25 मार्च की वारदात को अंजाम देने वाला भी कोई और नहीं बल्कि समर सिंह ही है। और तभी आकांक्षा का वो वीडियो सामने आ गया जिसमें उसने खुद ये गवाही दे दी कि मेरे साथ कुछ भी गलत होता है तो उसका जिम्मेदार समर सिंह ही होगा। अब इसके बाद इस केस की दशा और दिशा दोनों ही बदल गए। यहाँ केस पूरी तरह से आकांक्षा की मां मधु दुबे की तरफ चला गया। अब ये समझिए कि सुनवाई के दौरान क्या हुआ। तो समर सिंह के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए दलील दी कि समर सिंह बेकसूर है और सिर्फ पर्सनल रीजंस की वजह से फंसाया जा रहा है जिससे कि उसका सक्सेसफुल करियर बर्बाद किया जा सके। वहीं समर सिंह के वकील की इस दलील को काटते हुए आकांक्षा के वकील ने कोर्ट में कहा कि ये अपने क्लाइंट को बचाने की बेहद कमजोर और नाकाम कोशिश है क्योंकि आरोपी समर सिंह के खिलाफ पुलिस काफी ऐसे सबूत जुटा चुकी है जिससे कि ये साबित होता है कि इस मामले में समर सिंह शामिल है। अब समर सिंह इस दौरान चुपचाप कटघरे में विक्टिम वाली शक्ल बनाए खड़ा था जैसे कि वाकई उस बेचारे को इस मामले में बेवजह ही फंसाया जा रहा हो जबकि वो पूरी तरह निर्दोष है। मगर तभी आकांक्षा के वकील ने गूगली डाल दी और कोर्ट में जज के सामने आकांक्षा का वो वीडियो रख दिया। अब जैसे ही आकांक्षा के वकील ने ये किया तो फैसले को अपने हाथों से फिसलता देख समर सिंह बीच में ही अचानक चिल्लाने लगा, खुद को मारने पीटने लगा और जोर जोर से कहने लगा, हाँ हाँ हाँ, मैंने ही आकांक्षा को मारा है, मैं ही दोषी हूँ उसका, आप सबका, जज साहब आप मुझे सजा दो, मुझे सजा मिलनी ही चाहिए क्योंकि मैंने आकांक्षा से प्यार किया, सच्चा प्यार, और शायद उसी सच्चे प्यार की ही कीमत चुका रहा हूँ मैं, मुझे सच्चा प्यार करने की सजा मिलनी ही चाहिए। और ये कहते कहते चालाक समर सिंह घड़ियाली आंसू बहाते हुए दहाड़े मारकर रोने लगा। समर सिंह को ऐसा करता देख वहाँ मौजूद लोग भी सकते में पड़ गए। अब ये तमाशा देख गुस्साए जज ने समर सिंह को फटकार लगाते हुए कहा कि शांत हो जाओ, जब तुम्हें अपने पक्ष में बात रखने का मौका दिया जाए तब ठीक से सलीके से अपनी बात रखो, यूँ फिल्मी स्टाइल में कुछ भी बोलने से या ऐसी हरकतें करने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुमने वाकई कुछ नहीं किया तो तुम ये केस जीतकर बरी हो जाओगे और अगर तुमने कुछ भी गलत किया है तो तुम्हें सजा हर हाल में मिलेगी, फिर तुम चाहे जितने ही बेचारे बनने की कोशिश क्यों ना कर लो, इसीलिए चुप हो जाओ और कोर्ट के डेकोरम को मेंटेन रखो। अब जज की ये फटकार सुनते ही समर सिंह शांत हो गया और जज आकांक्षा के वकील द्वारा पेश किए गए वीडियो को गौर से देखने लगे। इसी बीच समर सिंह ने अपने वकील की तरफ पैनी नजरों से देखते हुए इशारा किया कि वो उसकी तरफ से अपनी दलील रखें।
अब जज कुछ फैसला सुनाते उससे पहले ही समर सिंह के वकील ने बेतुकी दलील देते हुए कहा कि आकांक्षा का ये वीडियो जेन्युइन नहीं, ये फेक वीडियो है, इसके साथ छेड़छाड़ की गई है। आकांक्षा इस वीडियो में कुछ और कह रही है मगर सुनाई कुछ और ही दे रहा है। तो इस पर समर सिंह के वकील को भी जज की फटकार पड़ गई और उन्होंने कहा कि ये वीडियो सही है या गलत, इसका फैसला आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका ऐसा मानना है तो इस वीडियो के सत्यापन की जांच कराई जाएगी और इसीलिए समर सिंह की याचिका अगले 3 दिन यानी कि 9 मई तक टाली जाती है, जिससे कि दोनों पक्षों को कुछ और वक्त मिल सके और दोनों अपने अपने साक्ष्य और सबूत जुटाकर अगली सुनवाई में पेश कर सकें। अब जज का ये फैसला सुनते हुए कोर्ट से बाहर निकलते वक्त समर सिंह अपने वकील पर झल्लाता नजर आया। वहीं आकांक्षा के वकील ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमने आज भी समर सिंह की जमानत नहीं होने दी और न ही अगली सुनवाई में ही होने देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी काफी ऐसे गवाह और सबूत मौजूद हैं जो इस केस में समर सिंह को दोषी साबित कर ही देंगे। वहीं आकांक्षा के वकील शशांक शेखर त्रिपाठी ने यह भी बताया कि हमने कोर्ट से गुहार लगाई है कि होटल के सीसीटीवी फुटेज की अपनी निगरानी में जांच कराएं, क्योंकि पीड़िता मधु दुबे को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं। इसके अलावा पुलिस ने अब तक मधु दुबे का पूरा बयान तक नहीं लिया, तो कोर्ट में मधु दुबे का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किया जाए। वहीं मामले की जांच कर रहे पुलिस कमिश्नर ने बिना विसरा रिपोर्ट आए ही आकांक्षा केस को सुसाइड का मामला कैसे बता दिया, इसकी भी तहरीर ली जाए। इसके साथ साथ आकांक्षा दुबे की मां इस केस को धारा 302 के तहत दर्ज कराना चाहती थी, मगर धाराओं की ज्यादा जानकारी न होने के अभाव में ये केस धारा 306 में दर्ज किया गया और जिसे बदलने की भी अपील हम कोर्ट में दे चुके हैं। तो कुल मिलाकर यहां आकांक्षा का केस पूरी तरह से पुख्ता और मजबूत नजर आ रहा है और समर सिंह का बेहद कमजोर। ऐसे में अगली सुनवाई यानी कि 9 मई की सुनवाई में भी समर सिंह को जमानत मिलने के आसार ना के बराबर ही हैं। तो आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या समर सिंह को 9 मई की सुनवाई में जमानत मिलनी चाहिए, क्या उसे जमानत मिल पाएगी, आप क्या सोचते हैं? कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। तो जैसा कि हम आपको बताते आए हैं कि समर सिंह जेल में न ठीक से खा पी रहा है और ना ही सो रहा है। अब उसे पता था कि 26 अप्रैल को जमानत के लिए दाखिल किए गए उसके प्रार्थना पत्र पर 6 मई को सुनवाई होनी है, जिसके लिए उसे कोर्ट में पेशी के लिए जाना है। तो वो सारी रात इसी खुशी में रात भर जागा रहा और सुबह बिना कहे ही नाश्ता किया, नित्यक्रम कर नहा धोकर तैयार भी हो गया। अब कोर्ट में 11 बजे पेशी होनी थी मगर 8 बजे समर सिंह को मेडिकल के लिए ले जाना था। अब यहाँ समर सिंह ने जिद पकड़ ली कि वो मेडिकल के लिए किसी प्राइवेट अस्पताल में ही जाएगा, क्योंकि जेल में रहते रहते उसका स्वास्थ्य काफी बिगड़ चुका है और उसे सरकारी अस्पताल की जांच पर भरोसा नहीं। हालांकि उसे बहुत समझाया गया कि उसके स्वास्थ्य में अगर कोई भी दिक्कत पाई जाती है तो उसकी मेडिकल रिपोर्ट में वो जरूर मेंशन की जाएगी और इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट जमानत पर फैसला लेगी। मगर समर सिंह ने तो जैसे अपने मन में ठान लिया था कि इस बार उसे मेडिकल के लिए प्राइवेट अस्पताल ही जाना है, ताकि वहाँ वो अपने डॉक्टर से सेटिंग कर रिपोर्ट अपने हिसाब से बनवा सके और जिसके बाद उसे जमानत मिलने के रास्ते खुल सके। अब समर सिंह की इस जिद के आगे जब जेल कर्मी हार गए तो उन्होंने जेलर को पूरा मामला बता दिया और जेलर ने आकर समर सिंह की हेकड़ी निकाल दी। जी हाँ, दरअसल जेलर ने समर सिंह से साफ साफ कह दिया कि ये जेल है, उसकी किसी फिल्म का सेट नहीं, जहाँ उसकी ये नौटंकियां बर्दाश्त की जाएंगी। जेल के नियम, कानून के नियम सबके लिए एक समान है और नियम के मुताबिक हर कैदी का पेशी से पहले मेडिकल सरकारी अस्पताल में ही कराया जाता है और समर सिंह का भी मेडिकल सरकारी अस्पताल में ही कराया जाएगा और अगर उसने अब भी एतराज जताया तो जेलर उसके खिलाफ ये शिकायत ऊपर तक पहुंचाएगा, जहां से ये शिकायत कोर्ट तक पहुंचेगी और हो सकता है कि शायद जो फैसला उसके पक्ष में आने वाला हो वो ये शिकायत मिलने पर बदल जाए और समर सिंह को जमानत मिलने के बजाय सजा बढ़ा दी जाए, कड़ी कर दी जाए। अब ये सुनते ही शेर की तरह दहाड़ने वाला समर सिंह एकदम मेमने की तरह गरियाने लगा और चुपचाप सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराने के लिए तैयार हो गया।